नमस्ते एवरीवन, मैं हूं हेमंत और लॉजिकल स्पॉट नाम का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि कैसे आप मिडजर्नी AI आर्ट बिल्डर इन दोनों से आप जो अपने आर्ट्स को जनरेट कर सकते हो, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो कम्प्लीटली फ्री होने वाले हैं। मिडजर्नी AI और आर्ट बिल्डर दोनों में प्रॉब्लम बस ये थी कि एक लिमिट के बाद, एक ट्रायल के बाद जो है आपको उस चीज़ के आपको पैसे देने पड़ते हैं आर्ट जनरेट करने के। आर्ट बिल्डर में आपको कुछ क्रेडिट वगैरह खरीदने पड़ते हैं और मिडजर्नी AI में आपको मंथली सब्सक्रिप्शन या फिर जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो आपको वो लेना पड़ता है। पर आज जो मैं टूल्स आपको बताने वाला हूं, जो आपको इमेज जनरेटर्स के बारे में आज मैं बताने वाला हूं, वो कम्प्लीटली फ्री होने वाला है। तो आप इन्हें बिना किसी लिमिट के आप यूज़ कर सकते हैं और इनकी जनरेट की हुई आर्ट्स को आप कहीं भी आप जो है अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल वगैरह पर कहीं भी आप शेयर कर सकते हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर और लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप कैसे इन चीज़ों को बना सकते हो। इससे पहले मैं अपनी पिछली वाली वीडियो में कुछ फ्री वाले टूल्स के बारे में बता चुका हूँ, पर ये वीडियो उन दोनों से बिल्कुल अलग होने वाली है। इसमें आपको ना वेट नहीं करना पड़ेगा और कभी भी ऐसे जो बार बार जो इसमें इमेज जनरेशन में जो फेल वगैरह जो होते हैं वो आपको इसमें नहीं देखना पड़ेगा। ऊपर से इसमें आपको कुछ और ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, जैसे आप कैसे अपनी इमेज को डायरेक्टली 4K में आप स्केल कर सकते हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं हाँ अपनी लास्ट जो वीडियो थी उसके बचे हुए पार्ट से। अगर आप डायरेक्टली यही वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वाली वीडियो को भी देख लें, लेकिन इस वाले पार्ट को नहीं देखना चाहते तो आप डायरेक्टली मेरे वीडियो के जो है स्टेबल डिफ्यूजन वाले पार्ट पर आप डायरेक्ट जो है स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस है और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पहले से ही जो है कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह डाले हुए हैं और डायरेक्टली इमेज जो है मैंने जनरेट कर ली है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें बहुत देर तक टाइम वेस्ट होता है, कभी कभी ये जो होता है कोई फेल भी हो जाता है, तो मैंने इसलिए पहले ही जनरेट करके सामने आपके सामने रख दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि माउंटेन विद ग्रीन लैंडस्केप स्नोफॉल HD वॉलपेपर, ये मैंने टैग डाला था, मैंने जो टेक्स्ट था वो ये डाला था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 4 इमेजेस यहाँ पर जनरेट हुई है उसमें जो पहली वाली है वो तो बहुत अच्छी लग रही है और वैसे दूसरी वाली भी कम नहीं है, तीसरी वाली थोड़ी अजीब लग रही है फ़ोटो और थर्ड वाली भी थोड़ी इतनी खास नहीं है। तो हम फर्स्ट वाली को पिक करते हैं और इसे जो है हम सेव इमेज एज करके सेव कर लेंगे और यहाँ पर इसे हम डाउनलोड PNG करके सेव कर देंगे। और दूसरी इमेज को भी ले लेते हैं, इसे भी राइट क्लिक करेंगे सेव इमेज एज और डाउनलोड 1.png। तो यहाँ पर हमारी जो दोनों इमेजेस है वो सेव हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इन इमेजेस को अगर हम देखें, अगर आप इन दोनों इमेजेस को देखोगे, सबसे पहले मैं ये वाली इमेज को ओपन करता हूँ जो पहले में दिख रही है मुझे, तो आप देख सकते हो इस इमेज का जो साइज है वो काफ़ी कम है। एक्चुअली इसका जो साइज है वो 512 पिक्सल्स का है, यानी कि स्क्वायर रेशियो है, यानी कि जो इसकी जो विड्थ है और जो हाइट है दोनों 512 पिक्सल की है। तो आप देख सकते हैं इमेज जो है बिल्कुल नॉइस, पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस है, दूसरा इमेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और फटते ही जाएगी अगर आप इसे क्लोज से देखोगे। और इवन अगर आप इसे और क्लोज से देखोगे तो जो ट्री वगैरह जो जनरेट हुए हैं वो अच्छे से जनरेट नहीं हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मॉस वगैरह है। तो इन्हें जो है आगे हम क्लियर करेंगे, तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ से हटा देंगे, मिनिमाइज करेंगे और आगे देखते हैं हम इसको हम कैसे क्लियर करेंगे, कैसे हम इसे आगे सॉर्ट आउट करेंगे, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप स्टेबल डिफ्यूजन का सिर्फ जो डेमो वाला जो मॉडल है आप उससे इमेज को ऐसे जनरेट कर सकते हो। और आगे मैं आपको डॉली मिनी दिखाता हूँ। डॉली मिनी है, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेकार लगती है यहाँ पर, कुछ जगह पर तो काफ़ी अच्छी इमेजेस ये जनरेट करता है, यानी कि जो मैंने कंटेक्स्ट दिया होगा ऐसे जो मैंने टेक्स्ट दिया होगा उसके ही आसपास जो है ये इमेज को रखता है हमेशा। अगर आप देखोगे तो जो मैंने टेक्स्ट लिखा है एग्जैक्टली इसने वही चीज़ें जो है इसमें दिखा दी, जैसे माउंटेन्स हैं ओके माउंटेन्स भी, ग्रीन लैंडस्केप है वो भी है, और स्नोफॉल है तो स्नोफॉल इसने जो है माउंटेन्स के ऊपर ऐसे कुछ दिखा दिया है। तो कुछ माउंटेन्स स्नोफॉल वाले हैं और कुछ माउंटेन ऐसे ग्रीन लैंडस्केप वाले हैं। तो ये डॉली मिनी जो है या डॉली जो है वो जो टेक्स्ट होता है उसमें जो कंटेक्स्ट है कि उसके आसपास ही इमेज को रखने की कोशिश करता है। तो इसमें से जो मुझे जो इमेज सही लग रही है मैं उसे पिक करूंगा। तो फिलहाल मुझे एक ये वाली इमेज जो है, हाँ तो ये जो इमेज है मुझे वो सही लग रही है, तो मैं से भी सेव एज करके जो है स्क्रीनशॉट पे हम क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे जो है डायरेक्टली इमेज जो है वो सेव हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये हमारे कुछ जो है दो डेमो थे, स्टेबल डिफ्यूजन डेमो और क्रेयॉन फॉर्मल डॉल ई। अब प्रॉब्लम क्या है,
कि आप इसे डायरेक्टली 4K इमेजेस को आप नहीं बना सकते। आप इसे आप स्केल कर सकते हैं डायरेक्टली कहीं और से, लेकिन उसके लिए आपको इधर उधर बहुत घूमना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा कि किसमें जो है 4K आप स्केल ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं इसमें आपको डायरेक्ट स्टेबल डिफ्यूजन का जो है एक दूसरा वर्जन आपको दिखाऊंगा, जो कि इसका बड़ा वाला वर्जन है या अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन है और फुल वर्जन है। तो वहां पर आप क्या करोगे, सेम इमेज ऐसे ही जनरेट करोगे और बाद में उसे आप 4K या फिर HD में आप उसको अप स्केल करोगे। तो मैं आपको डायरेक्टली पहले अपने GitHub प्रोफाइल पर ले जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है एक GitHub रिपोजिटरी बनाई हुई है आप ही लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले मैंने एक डेमो लगाया हुआ है, कुछ इस तरह की इमेजेस, बिल्कुल HD इमेजेस या 4K इमेजेस, एक्चुअली जो मैंने ये इमेजेस बनाई है वो 4K इमेजेस हैं और उनको आप बाद में स्टैक अप कर दिया है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह की इमेजेस जो है आप बना सकते हो। तो इससे आगे आप जो है कुछ इस तरह की इमेजेस स्टेबल डिफ्यूजन से बना पाओगे, बिल्कुल एकदम HD इमेजेस और कोई अंतर भी ना बता पाए ऐसी वाली जो इमेजेस है आप बना सकते हो। आज इसमें देख सकते हैं कि पहली वाली इमेज जो है उसमें थोड़े आर्टिस्टिक जो है मैंने स्टाइल डालने की कोशिश की थी। तो कुछ इस तरह की आप इमेजेस में बना पाओगे। तो इसमें आपको जो है यहाँ पर आपको पूरी फुल डॉक्यूमेंटेशन आपको उसकी मिल जाएगी, कैसे आप इसमें इमेजेस को आप जनरेट कर सकते हो। तो मैंने इसमें एग्जांपल पूरा बताया है कि आप कैसे इसमें इमेजेस को आप आगे जनरेट कर सकते हो। डोंट वरी, मैं आपको आगे जो है इसका पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ, जैसे जो लास्ट में जो है मैंने इसमें कुछ क्रेडिट वगैरह ऐड किया है, आप इनके ओरिजिनल ऑथर्स को भी आप चेक कर सकते हैं। हालांकि मैंने जो सारी चीज़ें हैं वो इसी कोलैब में आप डाल दिया, आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी इसके जो ओरिजिनल ऑथर्स हैं आप उनका क्रेडिट आप जरूर देख लेना। हाई क्वालिटी टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन, तो इसके डायरेक्ट नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओपन इन कोलैब, राइट क्लिक करेंगे ओपन इन न्यू टैब करोगे तो ये नोटबुक जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर मेरे GitHub प्रोफाइल पे जा सकते हो और फिलहाल मैं इन सारी चीजों को छोड़ता हूं और आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ नीचे जाना है, मैं यहाँ से फोल्डर को जो है आगे ओपन कर लेता हूँ, ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस राइट में जो फाइल का आइकन है वहां पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह के जो फाइल आपको यहाँ पर दिखेगी, उसी के साथ यहाँ पर जो आपका रैम और डिस्क है वो कनेक्ट हो जाएगा। और वंस अगेन आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको रन टाइम में जाना है, चेंज रन टाइम पर जाना है, चेंज रन टाइम टाइप में जाना है आपको, और यहाँ पर हार्डवेयर एक्सेलरेटर में आपको GPU सेलेक्ट करना है, सेव करेंगे। उसके बाद सेटअप वाले में सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो मैं डायरेक्टली जो है आपको सीधे रन करते हुए दिखा रहा हूँ। इस वाली सेल को रन करेंगे, इस वाली को भी, और नीचे जाएंगे, इस वाली सेल को भी रन करेंगे, इस वाली सेल को भी रन करेंगे और वेट करेंगे कि ये वाली सेल जो है अपना आउटपुट दे दे। जैसे ये आउटपुट देगी आपको एक दो स्टेप और करने हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। अब सबसे मेन चीज आपको इसमें क्या करनी है, आपको अपना यहाँ पर हगिंग फेस का जो है टोकन आपको यहाँ पर डालना है। तो दोबारा यहाँ पर जाएंगे मेरे पेज पे, यहाँ पर GitHub के, और यहाँ पर huggingface.co का यहाँ पर एक जो लिंक है आप यहाँ से ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दीजिए। तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने खुलेगी और आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है साइन अप कर लेना, अपना अकाउंट यहाँ पर आपको बना लेना है। तो आपको यहाँ पर जो है क्रिएट अकाउंट एट huggingface.co ये वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको राइट क्लिक करना है, ओपन इन न्यू टैब करना है और इसके बाद आपको जो है हगिंग फेस की वेबसाइट जो है वहां पर आपको ले जा देगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले लिंक पे विजिट दिस लिंक, और इस लिंक को भी राइट क्लिक करके ओपन करना है। ध्यान रखें पहले आपका अकाउंट जो है हगिंग फेस वाली वेबसाइट पर बन चुका हो जाना चाहिए। जब यहाँ पर आप जाओगे तो ये कुछ मॉडल कार्ड आपको कुछ ऐसे दिखेगा, आपको एक परमिशन देनी है मॉडल को यूज करने की। मेरे इसमें अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने पहले से ही इसे एक्सेप्ट कर लिया है। जब आप इसे ओपन करोगे आपका जो नया अकाउंट होगा यहाँ पर एक टिक मार्क का ऑप्शन आएगा, आपको उसको टिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है आपका काम यहाँ पर लगभग खत्म हो जाता है और दोबारा हम इस वाले पेज पे जाएंगे और यहाँ पर योर हगिंग फेस टोकन और इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे और यहाँ पर जो आपका पेज है कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मेरे टोकन पहले से बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, जब आप इस पेज पर आओगे तो आपका टोकन जनरेट नहीं हुआ होगा, तो न्यू टोकन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप अपना यूजेस वगैरह लिखोगे जो भी आपको यूज करना है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे फॉर इमेज जनरेशन और आर्ट जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो परमिशन जो यहाँ पर रोल है उसे आप रीड्स ना करके राइट करो और जनरेट टोकन पे क्लिक कर दो। मैंने पहले से ही कर रखा है तो मेरे को आगे जनरेट करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर जो मैं टोकन है उसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको क्लिक करेंगे, आपका जो टोकन है वो कॉपी हो चुका है। दोबारा उसी पेज पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसे जो है आप पेस्ट कर देंगे और लॉगिन पे क्लिक करोगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आगे तो यहाँ पर लिखा आएगा लॉगिन सक्सेसफुल और उसके बाद आपको कंटिन्यूसली आपको जो है ऐसे जो स्लाइड है उसको आपको रन करते रहना है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूस तरीके से आपको जो सारी जो सेल्स है वो रन करते हुए जानी है। जैसे मैंने यहाँ पर रन कर दिया, ये भी रन कर दिया और इस वाली को भी रन करेंगे और
इस वाली सेल पे जो है आपको रुक जाना है, क्योंकि यहाँ से जो आपका मेन काम है वो शुरू होगा आगे। तो यहाँ पर जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको जो अपना प्रॉम्प्ट है वो डालना है। प्रॉम्प्ट यानी कि वो इमेज जो जनरेट करनी है उसका आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको डालना है। आपको कोई भी आपको आइडिया सोचना है उसे आपको टेक्स्ट वगैरह में आपको जो है सोचना है किस चीज के बारे में आप जो है इमेज जनरेट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ एक एग्जाम्पल के लिए डाल रखा है, माउंटेन ग्रीन लैंडस्केप ब्रेटिंग यूएसडी वगैरह कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा है आप डाल दीजिए। जो इमेज है वो जनरेट करने का काम उसका मॉडल का है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, क्योंकि जो यहाँ पर मॉडल्स वगैरह जो है वो डाउनलोड हो रहे होंगे वो करीब कई जीबी वगैरह के हैं। डोंट वरी, आपके लैपटॉप में डाउनलोड नहीं हो रहे, क्लाउड पे डाउनलोड हो रहे हैं। तो आप बस इसको रन करने के लिए छोड़ दीजिए। तो जैसे ही आपकी यहाँ तक की सेल्स जो है रन हो जाएगी तो आपको यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर का ऐसे टिक दिखाई देगा, यहाँ पर लेफ्ट में आप देख सकते हो। तो जैसे ही आपकी जो सेल है यहाँ पर तक रन हो जाएगी तो आप आगे बढ़ोगे। तो मैं अपना प्रॉम्प्ट चेंज कर लेना, आपको जो भी इमेज आपको जनरेट करनी है आप डायरेक्ट उस प्रॉम्प्ट पर डाल दीजिए। ध्यान रखना कि आप अपना जो प्रॉम्प्ट है उसे डिटेल डालना, ताकि आपको जैसी इमेज चाहिए वैसी इमेज जनरेट हो, नहीं तो वो अपने हिसाब से जो इमेज को जो है रेंडमाइज कर देगा। तो मैं इस वाले प्रॉम्प्ट को जो है रन करूंगा यहाँ पर, और उसके बाद डायरेक्टली दूसरा वाला प्रॉम्प्ट रन करूंगा। उसके बाद डायरेक्टली जो है यहाँ पर मैं दूसरी वाली सेल भी रन करूंगा। पहली सेल जो है यहाँ पर जो रन हो रही है इमेज जनरेशन के लिए, इस वाली सेल में इमेज जनरेशन का जो काम है वो शुरू हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें मैंने जो है स्टेप जो है इमेज जनरेट करने के लिए इसमें जो है स्टेप्स लगते हैं। जितने स्टेप्स जो है आप रखोगे, जितने ज्यादा रखोगे उतनी इमेज जो है आपकी अच्छी तो नहीं उतनी डिटेल्ड इमेज जो है आपकी बनेगी। तो मैंने इसमें 50 स्टेप्स रखे हैं जो कि मोर देन इनफ है। पर बाय चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इमेज में जो है कुछ डिस्टॉर्टेड फिगर्स वगैरह आ गए हैं, या फिर जो इमेज आपने जनरेट करने के लिए दी थी वो उसमें वैसे ही नहीं बनी है जैसा आप चाहते थे, तो आप क्या कर सकते हो, सेम वही इमेजेस को जो इमेज आपने जनरेट की है उसको आगे फर्दर आप जो है आगे स्टेप्स में यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो नेक्स्ट सेल में। पर यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी इमेज जो है वो जनरेट हो चुकी है, 3 इमेजेस यहाँ पर जनरेट की है। आप इसे बढ़ाकर वहां पर ज्यादा भी कर सकते हो, आप 4 भी कर सकते हो इमेजेस को। पर यहाँ जो इमेजेस जनरेट हुई है उन्हें आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे इमेजेस हैं। मैं आगे इन्हें डायरेक्ट अपस्केल करूंगा, ना कि मैं इसे 100 स्टेप वाले ऑप्शन में डालूंगा। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इस सेल को रन कीजिए, अब आपकी जो सेम यही इमेजेस है वो 100 स्टेप्स के साथ जनरेट होगी। अगर बाय चांस अगर ऐसा होता कि ये जो है अच्छे से जनरेट नहीं हुई होती, इस वाली सेल को मैं डायरेक्ट जो है इग्नोर करूंगा। और ये वाली सेल आती है जब आपकी जो इमेज है उसमें फेस वगैरह हो। तो अभी मेरे इमेजेस में कोई फेस नहीं है, तो फिलहाल मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। आपको इसको रन जरूर करना है अगर आपकी इमेज में फेस है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इसे रन करके आप जो फेस है उसका करेक्ट कर सकते हो। तो मैं आगे बढ़ूंगा डायरेक्ट। यहाँ पर हम डायरेक्ट आते हैं अपस्केल पे, इन्हें अपस्केल करेंगे। तो रियल एसआर गैन अपस्केल। तो यहाँ पर जो हमारी इमेजेस हैं वो अपस्केल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मुझे तो अभी अंतर साफ नजर आ रहा है कि इसमें कितना ब्लरी एरिया है और ये कितना ज्यादा क्लीन हो गया है यहाँ पर। पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रास जो है अच्छे से जनरेट नहीं हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है इसे क्लीन और जो डिटेल जो है इसने बना दिया है। तो ये इमेज जो है ये अपस्केल हो चुकी है, वो भी 4 times। आप तीनों इमेजेस को यहाँ पर देख सकते हैं जो मैट्रिक्स है, इसमें आप कंपैरिजन आराम से कर सकते हो कि जो डिटेल्स है वो कैसे यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर जो सारी डिटेल्स है वो जनरेट कर ली गई है वापस। अगर आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे, पर ऐसा होगा नहीं, ये काफी रेयर होगा कि आप इसके रिजल्ट से सेटिस्फाइड ना हो, क्योंकि रियल ESR जो है वेल नोन एक इमेज अपस्केलर है और इसका जो काम होता है वो बिल्कुल अभी तक का जो है काफी अच्छा खासा परफेक्ट है। अगर आप इसे संतुष्ट नहीं हुए होंगे और आपको चाहिए कि मुझे और अपस्केल करनी है या फिर मुझे दूसरे तरीके से अपस्केल करना है, तो आप यहाँ पर डिनॉइस यूजिंग स्वीन IR अपस्केल, ये क्या करता है, इमेज को डिनॉइस भी करता है और अपस्केल भी करता है। तो सेम यही चीज जो है आगे आप इस चीज से भी जनरेट कर सकते हैं, पर इसमें इमेज कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा ब्लरी बन जाती है, ये डिटेल्स को बिल्कुल वाइप आउट कर देता है और डिटेल्स को सही से मतलब ESR की कंपेरिजन में, जो रियल ESR है उसकी कंपेरिजन में थोड़ा कम कर पाता है। पर आप कभी कभी आप देखोगे कि जो स्वीन IR है वो ESR से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो आप इसे रन कर सकते हो, तो मैं इसे भी फिलहाल रन ही करूंगा। तो नीचे आप यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग 0 ऐसे करके जो ऑप्शन वगैरह आ रहे थे वो इमेजेस को जो है इसने अपस्केल कर दिया है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे जो इमेज है इसमें जो डिटेल्स नहीं है वो यहाँ पर दोबारा से आ गई है, जो घास वगैरह है वो काफी अच्छे से डिटेल्ड और जो है ऐसा लग रहा है कि ये एकदम रियल इमेज जो है कैप्चर की हुई है किसी कैमरे से। तो ये इमेजेस काफी अच्छी लग रही है, आप इसे अंतर तो नहीं लगा पाओगे कि ESR और इन दोनों में अंतर क्या आया, पर फिर भी जो आप इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो सेल है ये भी ऑप्शनल है, ये क्या करेगा, जो आपने स्वीन IR और TLSR जो दोनों से आपने इमेजेस जनरेट की हैं उन तीनों का जो है कंपैरिजन करेगा इनपुट, और उसके बाद जो रियल ESR वाला जो है और उसका स्वीन IR उन तीनों का जो है यहाँ पर कंपैरिजन करे। तो यहाँ पर आपको एक इमेज मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिख जाएगी आपको, और ये इनपुट इमेज है और ये आउटपुट इमेज है स्विन IR से, और यह है ESR गैन से। तो आगे हम जब जाएंगे
तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इमेज कंपैरिजन है वो दोनों में एकदम फाइट है, मतलब एकदम कंपटीशन है कि किसकी इमेज जो है ज़्यादा अच्छी है। ये एकदम डिबेट वाला टॉपिक हो जाएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं खुद जूम करके, आप दोनों इमेज को लेकर चेक कर सकते हैं कि किससे आपको बेटर इमेज मिल रही है और उस हिसाब से आप जो है इमेज को जनरेट कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से जो ESR गैन है वो ज़्यादा अच्छी इमेज जो है वो जनरेट कर लेता है। अब लेट सपोज अगर आपको कोई ऐसी इमेज जो है जनरेट करनी है जिसमें फेस वगैरह है, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप प्रॉम्प्ट चेंज करोगे, उसमें आप ह्यूमन फेस की डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी, इस वाले सेल को भी रन करोगे और बाकी जो 100 स्टेप और 200 स्टेप वाली सेल है उसको आप डायरेक्ट इग्नोर भी कर दोगे चलेगा। फिर आपको जो है इस सेल को भी रन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि स्टेबल डिफ्यूजन में कभी आइस जो है अच्छे से नहीं आती है या फिर आईबॉस जो है डिस्टॉर्टेड फिगर जैसी आती है, तो उन चीज़ों को जो है ये करेक्ट कर देता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से जो है ये करेक्ट करता है। मैं इस नोटबुक में आपको ये करके नहीं दिखाने वाला हूँ, ये आपको खुद ही ट्राई करना है। तो मैं आपको यहाँ पर जो है मैंने कुछ एग्जांपल्स लगाए हुए हैं। पहले तो ये बैनर में जो इमेजेस हैं इनकी जो फेस हैं वो ऐसे ही नहीं जनरेट हुए थे, पहले ये भी डिस्टॉर्टेड फिगर थे और बाद में उसी सेल से जो सेल मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली फेस रीस्टोर वाली, इससे रन करके जो है मैंने दोबारा रिकवर किए हैं फेस। तो मैं आगे जाता हूँ, आपको एक कंपैरिजन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये भी मैंने इमेज जनरेट की है, अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो इसके फेस में जो आईज हैं यहाँ पर जो आईब्रोज वगैरह हैं नीचे की, तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड टाइप का जो है इमेज बना हुआ है। इसकी आईज जो है वो सही से डेवलप भी नहीं हुई, ऐसा लग रहा है जैसे पेंटिंग टाइप की इमेज है। आप यहाँ पर लिप्स वगैरह देखोगे तो वो भी सही से जनरेट नहीं हुए हैं, बस यहाँ पर आप देखोगे तो उसके जो सारे डिस्टॉर्टेड फिगर्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो गए हैं। और अगर आप नोज वगैरह भी देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड वगैरह हुई है ऐसे, और ये भी जो है यहाँ पर करेक्ट हो गई है। जो उसका फेस है वो स्मूथ भी नहीं है, तो वो यहाँ पर जो है आगे स्मूथ हो जाता है। और आईस अगर आप देखोगे तो सारी जो आईब्रोज वगैरह हैं या फिर जो पेंटिंग जैसी जो इमेज लग रही थी आईब्रोज की, वो सब कुछ जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इतना जो डिफरेंस है वो आ जाता है अगर आप उस सेल को रन करोगे, इस वाली सेल को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लोगों के संग शेयर जरूर करना, और नीचे जो लिंक्स वगैरह है इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ध्यान रखना कि यहाँ पर दो बटन है ओपन इन कोलैब के, पहला वाला जो है डायरेक्टली जो मेरी वाली नोटबुक जिसमें आप सारी इमेज को जनरेट कर सकते हो, फेस को रिस्टोर कर सकते हो, आप स्केल कर सकते हो, और जो दूसरा वाला जो ये वाला जो लिंक है वो सिर्फ आप स्केल के लिए है। अगर आप कहीं और से इमेज बना रहे हो जनरेट कर रहे हो या आपके आपके पीसी में जो है या फिर आपके पीसी में पहले से कोई इमेज पड़ी है और वो पहले से ही जो है थोड़ी डाउन स्केल है, तो आप सब यहाँ आकर जो है आप स्केल कर सकते हो। और अगर आपको कोलैब में कोई एरर वगैरह आता है जैसे इसमें GPU रैम फुल हो जाती है तो उसमें कभी एरर आ सकता है, तो आप दोबारा से इसको जो है रिस्टार्ट कर सकते हैं और फिर से आप इमेज जनरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।